स्वागत है आपका कैड कैम सी ए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी ए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। इसके बाद देखो ये जो है ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। ओके, अब वार्पिंग फैक्टर क्या होता है? कंसिडर करो आपके टेबल पे एक पेपर का शीट रखा है। ओके, नॉर्मल पेपर रखा है आपने। ओके, अगर मींस ये फेस डिफाइन करता है, अगर आपका पेपर ऐसे फ्लैट रखा है सो वो परफेक्ट एलिमेंट रहेगा। ओके, मींस उसका वार्पिंग फैक्टर जीरो रहेगा। जैसे जैसे उस पेपर के एक एज को पकड़ के आप मूव करोगे ऊपर की तरफ, मींस देखो यहाँ पे स्लाइटली ये ऊपर आ रहा है। ओके, मींस अगर ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट है ऊपर से, एक एज अगर मैं इसका मूव कर रहा हूं मींस इसका शेप चेंज हो रहा है। राइट, शेप चेंज हो रहा है मींस मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा एंड इसका क्वालिटी वर्स्ट हो जाएगा। राइट, सो ये सिंपल वार्पिंग फैक्टर का बेसिक है। अब देखो 3D एलिमेंट में ये परफेक्ट रेक्टेंगल है आपका। अगर मैंने ऊपर के एज को पकड़ के ट्विस्ट किया इसे, जैसे 2D में मैं इस फेस को ऊपर ले रहा हूं, ओके, 3D में अगर मैंने इसे ट्विस्ट किया तो इसका वार्पिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मींस एलिमेंट क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये भी अगेन नाउ ये चेक करना है हमें ईच केस में ये शो करता है कि नहीं। अब देखो टेट्राहेड्रल में यहाँ पे वार्पिंग फैक्टर शो नहीं करता। अगेन यहाँ पे चेक करते हम लोग, यहाँ पे आ गया देखो। ओके, क्योंकि टेट्राहेड्रल यहाँ पे भी देखो इसके हेल्प में भी ओनली 2D क्वाड्रिलेटरल्स एंड 3D रेक्टेंगुलर और हेक्साहेड्रल एलिमेंट्स में से शो किया है। ओके, क्योंकि इसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है टेट्राहेड्रल्स पे कैलकुलेट करना। ऑलराइट, सो अगर हेक्साहेड्रल यूज कर रहे हो तो आप इस पे चेक कर सकते हो। ऑलराइट, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 4.7 e^-2, मीन 0.004 आ रहा है वैल्यू। ओके, सो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू है ये। ऑलराइट, सो ये है आपका वार्पिंग फैक्टर। अगेन नेक्स्ट रहेगा पैरेलल डिविएशन, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, इसका भी ज्यादा ये नहीं होता, मींस कंसिडरेशन नहीं होता। अगेन आपके पास ये परफेक्ट है तो पैरेलल डिविएशन जीरो रहेगा। जैसे जैसे आप देख सकते हो दोनों जो पैरेलल एजेस होता है, ओके, उनका एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो ये जीरो परफेक्ट है, ये 170 वर्स्ट रहेगा। मींस इसे ब्रेक करना इजी है, डिफिकल्ट है, इसे ब्रेक करना इजी हो जाएगा। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसा है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी मेंशन किया है। ओके, ये जो वेक्टर्स है इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है एंड अगेन उसका कॉस इनवर्स लिया जाता है उस डॉट प्रोडक्ट का। ओके, सो ए कॉस इनवर्स जो भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा वैल्यू उसका अगर निकालोगे तो ये डिग्रीज में आ जाएगा, मीन 70 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री। ओके, सो इस वे में पैरेलल डिविएशन आ जाता है। अब देखो यहां पे शो नहीं करेगा, यहां पे आपको पैरेलल डिविएशन शो किया। ओके, सो मैक्सिमम है 58 डिग्रीज का पैरेलल डिविएशन। सो ये आप देख सकते हो यहां पे। ओके, ये जो एलिमेंट शो कर रहा है ये आप देख सकते हो जो एंगल पे टू साइड्स है इसकी वजह से, अगर ये स्ट्रेट होता तो कौन से एलिमेंट से यहां पे स्ट्रेट, ये एलिमेंट से देखो इनका साइड्स आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड इनका साइड्स देखो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा पैरेलल डिविएशन एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अगेन इसके जो मेन प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई है तो ये बेस्ट क्वालिटी है। ऑलराइट, एंड टेट्राहेड्रल पे ये वार्पिंग फैक्टर एंड पैरेलल डिविएशन वर्क नहीं होता। ओके, नेक्स्ट सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है मैक्सिमम कॉर्नर एंगल, इसके नेम में ही है मैक्सिमम कॉर्नर एंगल, मींस आपके पास ट्रायंगल है, अब ये इक्विलैटरल है सो 60 डिग्री रहेगा। कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें सबसे ज्यादा एंगल जो होगा वो मैक्सिमम कॉर्नर एंगल होता है। ओके, 3 एंगल से इसमें 4 एंगल रहेगा, जो सबसे ज्यादा एंगल है वो मैक्सिमम कॉर्नर एंगल। अब देखो यहाँ पे 90 है, ये दिख तो आपको ट्रायंगल रहा है बट बीच में एक नोड है और वर्टाइसेस है,
मीन्स इसको 1, 2, 3, 4 साइड्स है, एंड ये जो 180 डिग्री है ये इसका मैक्सिमम कॉर्नर एंगल हो जाएगा। ओके अगेन चेक करो इसे, मैक्सिमम कॉर्नर एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैक्सिमम कॉर्नर एंगल 166 डिग्रीज का है, एंड आप इन एलिमेंट्स को चेक कर सकते हो। सेम ये जो दो एलिमेंट एवरी टाइम पॉप हो रहा है सेम एलिमेंट्स रहेगा। एंड हेक्साहेड्रल में आप देख सकते हो मैक्सिमम कॉर्नर एंगल इज 148 ये रहेगा। okay? इसमें 148 में ये रहेगा मैक्सिमम कॉर्नर एंगल एलिमेंट्स। ओके सो सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी है,